नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम बताने वाले हैं भैया, जो ग्रुप सी सीईटी के अंदर किस प्रकार की भर्ती आने वाली है, आप इसको देखते रहिएगा। देखो कौन कौन सी भर्तियां खाली है जो सीईटी के अंडर में आएगी, यानी ग्रुप सी की भर्तियां जो सीईटी के अंडर आने वाली है वो आपके लिए खुशखबरी की बात हो सकती है। उस हिसाब से आप दूसरे पेपर की तैयारी भी कर सकते हो इसमें, अगर अच्छे नंबर आते हैं आपके। देखो HVPNL यानी बिजली विभाग के, UHVVN के अंदर ALM असिस्टेंट लाइनमैन की 4250 पोस्ट खाली है, उसकी आपके भर्ती आ सकती है। यानी 4250 पोस्ट बहुत हो है भाई, ठीक है ना, बहुत पोस्ट है ये। ITI जिन्होंने कर रखी है, ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो CET की अच्छे से तैयारी करके पेपर दे ताकि आगे आपका नंबर आ सके। लोकल ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फूड सप्लाई ऑडिटर पोस्ट 267, बहुत अच्छी पोस्ट है ये। केनाल पटवारी की भी बहुत 1100, बहुत अच्छी पोस्ट है। देखो कलरक की भी 2700 पोस्ट है। फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर 2063 पोस्ट है। ग्राम सचिव जिसे पंचायत सेक्रेटरी भी बोलते हैं, उसकी भी कितनी पोस्ट है देखो, पंचायत सेक्रेटरी की कितनी पोस्ट है, 865 पोस्ट है। अब देखें जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 400 पोस्ट है, कम नहीं है ये 400 पोस्ट भी। UHBVNLDC लोअर डिविजनल कलर्क जो होता है उसकी 257 पोस्ट है। यानी आप तैयारी करती रहिए, बहुत ज़बरदस्त धमाका होने वाला है। आप जैसे CET देंगे उसके बाद पद खुलेंगे, किसमें कितने हैं, ये पद खाली हैं और ये पद आपके भरे जाएंगे CET के थ्रू, ग्रुप सी के, ठीक है, ग्रुप सी के पद हैं सारे के सारे। और बताता हूँ आपको HVPN यानी इसके अंदर क्या 96 पोस्ट है, इसमें कितनी है 96 पोस्ट है। MPSW फीमेल की है 349 पोस्ट है। पटवारी 403 पोस्ट है, ठीक है। और अगर आप ना CET की तैयारी कर रहे हो या कोई भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो रेलवे की, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके चेक कर लेना, वहाँ पे इस चैनल को ज़रूर विजिट करना। आपको अगर अच्छा लगे तो आप वहाँ पर जाके उस कोर्स को ले लेना ताकि आपका भला हो सके, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है आपको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई गई है, एक भी क्वेश्चन आपका साइंस का बाहर नहीं जाने वाला। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर इस चैनल पर विजिट करके देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो जाइएगा, ठीक है, अच्छा ना लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। स्टाफ नर्स की 717, स्टेनोटाइपिस्ट 500 पोस्ट, DHVVN, UHVVN, HPVN, UDC, अपर डिविजनल कलर्क 2800 पे ग्रेड का जो होता है, ठीक है। VLDA, ठीक है, VLDA डंग डॉक्टर भाई, सीधी बात है, 632, ठीक है। वाटर पंप ऑपरेटर VLDA 4200 पे ग्रेड की पोस्ट है ये। वाटर पंप ऑपरेटर यानी WPO 669 यानी 670 पोस्ट लगभग, ठीक। तो आप देख लेना ये भर्ती आने वाली है, और भी कोई जानकारी मिलती है तो मैं ज़रूरी आपको शेयर करूँगा। ये देखो, ठीक है, 4250 तो सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है यहाँ पे ITI वालों के लिए, जो इलेक्ट्रिकल से ITI कर रखी है, सबसे बड़ी भर्ती है उनका, तो मतलब बहुत ज़बरदस्त खुश उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त खुशी की बात है, ठीक है। तो ये भर्तियाँ आपकी थी जो CET के बाद ग्रुप सी के अंदर इसके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा और आपको ये मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। तो आप तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी खबर आ रही है, ठीक है, और बने रहिए इस चैनल के साथ, आपकी बहुत ज़रूरत है हमें, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत मेहनत का काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, इससे अच्छी मेहनत क्या हो सकती है। तो आप पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हो तो यूट्यूब पर इसको